योगेश साहब, आपको ले बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और गुजरात की नहीं पूरे देश की राजनीति पर नब्ज रखने वाले योगेश साहब, एक चीज जरा बताइएगा, क्योंकि हम लोग जो गुजरात से बाहर पे बैठ के वहां को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एबीपी सी वोटर का एक अभी वो आया था और उसके अनुसार तो बीजेपी स्वीप कर रही है, 140 सीट की बात उन लोग कर रहे हैं। तो क्या ग्राउंड में बिल्कुल ऐसी रियलिटी है कि बीजेपी स्वीप कर रही है, या अभी बहुत सी चेंज होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बाहर ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है या कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत ग्राउंड गेन कर रही है, तो क्या वास्तविक स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी क्या डेंट करेगी और केवल कांग्रेस के वोट का नुकसान होगा, या आम आदमी पार्टी अगर बढ़ेगी तो वो बीजेपी का वोट भी खाएगी? देखिए, हमारे गुजरात में एक बात कई सालों से चल रही है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ नहीं चल सकती है। हमारे गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मेन पार्टी है, बाकी कई पार्टियां अलग अलग बनी, जिसमें मानो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई ने एक पार्टी अलग बनाई, उसका भी कुछ नहीं चला। चिमन भाई पटेल जो बहुत मजबूत माने जाते थे, उन्होंने भी पार्टी बनाई, उसका भी कुछ नहीं चला, बाद में वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। इस तरह से कई पार्टियां बनी लेकिन उसका कुछ नहीं चला। अभी आम आदमी पार्टी जो आ रही है, वो हमारे में बोलते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेड चीज है तो बहुत अच्छी होती है, जैसे ये पेन है अगर इम्पोर्टेड है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये आम आदमी पार्टी हमारे गुजरात में इम्पोर्टेड है, वो दिल्ली से आई है। कोई उसमें जो भी लोग हैं उसमें से कोई न तो भाजपा के या कांग्रेस के या पूर्व राजकारण में कुछ थे, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ भी काम किया उसका आकलन तो सब लोग कर रहे हैं कि भी बहुत अच्छा किया, अच्छी शिक्षण संस्थाएं बनाई, अच्छे हॉस्पिटल वगैरह बनाई, लेकिन और पंजाब में भी उन्होंने ये सरकार बनाई। इस तरह से हमारे लिए ये तो इम्पोर्टेड एक नई पार्टी है, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी लोगों को लुभाने के लिए बात की, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में ये देंगे, तो मेरा एक आकलन ऐसा है कि जो लोग ज्यादातर वोट करते हैं वो गरीब या निचले वर्ग से आते हैं, उनको कुछ फ्री में मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसको ऐसा लगे कि मुझे मुझे इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरना पड़ेगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पसंद पड़ता है। तो ये और यही लोग ज्यादातर वोट देते हैं। हमारे जैसे बहुत अच्छी बातें करने वाले, एनालिसिस करने वाले, वो लोग तो एसी में बैठकर सब देखते रहते, वोट देने नहीं जाते। ये एक इम्पोर्टेंट है। और जो विलेज सेक्शन है, ग्राम्य विस्तार, उसमें इन लोगों की संख्या ज्यादा है। हमारे अहमदाबाद में भी है, बड़े सिटी में भी है, लेकिन ये ग्राम्य विस्तार में ज्यादा है। उनको ये बहुत आकर्षक लगा कि चलो भाई हमको ये सब फ्री मिलेगा, भले हमारे प्रधानमंत्री ने उसको रेवड़ी कल्चर बोला, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मगर आम आदमी के पास कोई ऐसे संगठन अच्छा नहीं बना है, लोगों तक पहुंचे ऐसा कोई संगठन नहीं है। हाँ, अभी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया वगैरह आते हैं, और तीसरे एक हमारे एक ईशुदान गढ़वी, ये तीनों के नाम ऐसे कि जिसको सुनने के लिए कोई आता है। फिर भी ग्राम्य प्रदेश में केजरीवाल की जितनी भी मीटिंगें हुई, वो लोग सुनने उसको देखने आते हैं कि ये क्या नई बात लाया है, और जो बड़े बड़े हॉल वगैरह है वो पूरे भर जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर अगर आप पॉपुलैरिटी बोलो या कुछ भी बोलो, हाँ ये बात सही है कि जितने लोग आए वो सब वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमारे प्रधानमंत्री की जब मीटिंग होती है या कोई बड़ा रैली होता है, लाखों लोग आते हैं, लेकिन ये सब वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से गुजरात में अभी जो चल रहा है, तीसरी पार्टी आने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहा, मैं भी मानता हूं कि ये आम आदमी पार्टी वोट कटिंग पार्टी होगी। आइदर कांग्रेस के कुछ वोट काटेंगे या तो भाजपा के वोट काटेंगे,
और मैं ऐसा कोई अनुमान तो नहीं लगा सकता हूं कि इनको कितना सीट मिलेगा, लेकिन अभी तक आप 2017 की बात करें तो वोट शेयर जो था भाजपा का 49.4 था और कांग्रेस का 41.1 था। ये वोट शेयर में 10-15% भी अगर आम आदमी पार्टी कुछ लाती है तो ये समीकरण में कुछ फर्क पड़ेगा, कितनी सीटें उससे फर्क पड़ेगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल जो आम आदमी पार्टी ने उसके उम्मीदवार डिक्लेयर किए बहुत से किए, तो वो ऐसे लोग हैं कि या तो उनको कोई गांव में जानता नहीं है, सिटी में कोई जानता नहीं है कौन है, और इसका ऐसा कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर इस आदमी ने हमारे लिए कुछ काम किया, कोविड में कोई काम किया या तो दूसरा कोई काम किया, ये जो उम्मीदवार है उसकी ऐसी कोई प्लस पॉइंट नहीं है। हाँ, एक ही प्लस पॉइंट है कि ये भाजपा या कांग्रेस नहीं लेकिन कोई दूसरी पार्टी से आ रहे है, तो हमको अगर कोई ऑप्शन चाहिए तो ये है। बाकी इसका कोई जो उम्मीदवार है उसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है, उसने बहुत काम किया। हाँ, कुछ दो चार लोग होंगे कि जिसका पब्लिक में कुछ काम किया है तो बाकी ठीक है। तो ये मेरा अवलोकन है कि ये वोट कटिंग पार्टी ही रहेगी और कुछ परसेंटेज वोट उनको मिलेगा, तो इसके कारण कांग्रेस या भाजपा की सीटों में थोड़ा फर्क पड़ेगा। योगेश जी, मैं आपके पास एक दो चीजें आपसे समझना है जल्दी से। हम लोग को जब हम यूपी में बैठे हैं, हम लोग को गुजरात मॉडल बहुत समझाया जाता है कि गुजरात मॉडल ये है, गुजरात मॉडल से विकास होता है। लेकिन एक चीज हम लोग के लिए बड़ी अचंभे की थी और जो पिछले एक साल से पता लगा कि गुजरात में एक डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है और वहां पे मुसलमानों की बस्ती अलग, हिंदुओं की बस्ती अलग, और ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि मतलब देश में कोई एक ऐसा राज्य है जहां पे मुसलमान अलग रहेंगे, हिंदू अलग रहेंगे और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। ये क्या गुजरात मॉडल है, या जो गुजरात मतलब गुजरात मॉडल है क्या, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा जो ब्रजेश जी पूछ रहे थे कि केजरी सिंह जी का एक्शन क्या प्रतीक है उन लोगों के गुस्से का जो बीजेपी का टिकट जिनको डिनाई हुआ है, ये दोनों चीजों पे जरा आपसे समझना चाहेंगे योगेश जी। आनंद जी, ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने नक्की किया कि भाई किसको उम्मीदवारी करनी है, वो अपने बायोडाटा इनको दे और इनकी कोई एक कमिटी बनी, उसमें से वो सिलेक्ट करके फिर आगे पार्लियामेंट्री कमिटी में जाएंगे। तो कई लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का दावा दिया। एक एक सीट तो मुझे याद है कि एक एक सीट के लिए 30 लोगों ने अपना दावा दिया। तो टिकट तो आप एक को ही देंगे, तो बाकी जो 29 है उनको कुछ ना कुछ तो होगा कि भी मेरी टिकट कट गई, मैं इतने साल से ये पार्टी में काम कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोविड में मैंने ये किया था, ये किया, ये जो सब बातें हैं वो तो वो रोष तो बाहर आएगा कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। और अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती है कुछ सौदाबाजी करके, तो मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाऊंगा या तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाऊंगा। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने से टिकट कितनी मिलती है, मैं आपको एक फिगर बताऊं कि ये 160 सीट बीजेपी ने डिक्लेयर की, उसमें से 19 ऐसे हैं जो कांग्रेस में से बीजेपी में आए, ऐसे लोगों को इस टाइम पर उम्मीदवार की टिकट दी गई है। और ये जो लोग हैं वो उसमें से दो तो ऐसे हैं कि टिकट डिक्लेयर करने के दिन के दो दिन पहले भाजपा में आ गए, जैसे कि हमारे एक भगा भाई बारड़ है, वो तो कल रात तक कांग्रेस में थे, उन्होंने उनका इस्तीफा दे दिया और दूसरे दिन उनका नाम बीजेपी के लिस्ट में आ गया। ये सब चलता है, जैसे व्यास साहब ने बताया कि ये मोदी जी की या तो पार्टी की कुछ मजबूरियां है। और ऐसे 19 लोग हैं जिसको इस तरह से कांग्रेस में से भाजपा में आने के बाद टिकट दे गई, तो मानो ये 19 लोग कांग्रेस में से बीजेपी में नहीं आते तो बीजेपी के पास और कोई ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं थे क्या? तो ये जो कुछ सौदाबाजी है, मजबूरी है, ये सब इसमें दिखाई देता है।
और 31 मेंबर की जो सिटिंग मेंबर थे उनकी टिकट कट हो गई, ये टाइम पर ये टिकट नहीं दिया गया। ये भी देखने जैसी बात है कि जो सिटिंग मेंबर थे उनको रिपीट नहीं किया गया। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे यहाँ लास्ट दो मिनिस्ट्री थी, एक थी विजय रूपाणी जी की, उनको हटा के भूपेंद्र भाई पटेल की मिनिस्ट्री लाई गई। तो रूपाणी जी की मिनिस्ट्री में से 5 मिनिस्टर थे उसको टिकट नहीं दी गई। दे हैव वर्कड फॉर गुजरात गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री, वो 5 लोग को टिकट नहीं दी गई। और आई एम सॉरी, भूपेंद्र पटेल के ये अभी जो चालू गवर्नमेंट है उसमें से 5 टिकट उसकी कट गई, और रूपाणी जी के साथ जो मिनिस्टर थे उसमें से 9 को टिकट काट दी गई, 9 मेंबर्स। ऐसे वो 14 मेंबर्स तो ऐसे है कि वो लोग आज नहीं तो कल मिनिस्टर थे गुजरात के, अच्छा काम कर रहे थे, बुरा काम कर रहे हैं, वो जो भी उन्होंने देखा होगा इसके कारण इनकी टिकट कट गई। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी की ये 2022 की इलेक्शन में उलट सुलट ऐसा हो गया है कि सब लोग देख के बैठ रहे थे कि भी मेरे को टिकट मिलेगी, और अभी कई लोग ने तो ऐसा खुद डिक्लेयर किया कि नहीं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि इन लोगों ने उम्मीदवारी करने के लिए अपना दावा तो दिया था, अपना बायोडाटा भी दिया था, तो उनको इलेक्शन तो लड़नी ही थी, इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो दावा किया था। लेकिन अभी आज वो अपने हाथों से लिखे हुए हमारे एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक लेटर देते हैं कि मुझे नहीं इलेक्शन लड़ना है, मैं पार्टी के लिए आजीवन कार्य करूंगा। ये सब कोई अपनी इच्छा से नहीं होता है, कोई ना कोई प्रेशर होगा। क्या प्रेशर होगा वो तो हमारे गुजरात का जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, वहां अंदर बैठे बैठे सब कुछ हुआ। तो ये हम गुजरात के वोटर्स जो है वो ऐसे ना समझ तो नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता है, या तो ऊपर से ऐसा प्रेशर लाया गया कि आप दावेदार हो लेकिन आपको टिकट अगर नहीं देते हैं तो आपका खराब दिखाई देगा, इसलिए आप स्वयं वहां से निकल जाइए। ये सब ड्रामा चल रहा है और प्रजा देख रही है। अच्छा, अभी एंटी इनकमबेंसी की बात करो तो कोविड में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो कोई भूले नहीं। मेरे जैसे लोग जिसके स्वजन हमने गुमाए हैं, आपको मैं बता, आपको ये तो पूरा पहले डिस्कस हो गया है कि अगर कोविड में कोई मर भी गया और उसको हम स्मशान ले जाते हैं तो वहां वेटिंग लिस्ट होता है कि आप नंबर लिखवाओ, आपका 25वां नंबर है, तो स्मशान में भी जगह नहीं थी। ये एक परिस्थिति हुई थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन जिसकी शॉर्टेज थी उसका 5000 इंजेक्शन लेके वो यहां से भाग गए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सूरत में जाके उसको बांट दिया। यहाँ लोगों को मिलता नहीं था, हॉस्पिटल वाले को मिलता नहीं था। ये सब बातें हम लोग भूले नहीं है। और ये कोविड की बात मानो पुरानी हो गई। अभी लास्ट वीक में जो मोरबी में हुआ हादसा, वो क्या हुआ, राजा महाराजा ने कुछ साल पहले अबाउट 150 ईयर्स के पहले वो ब्रिज बनाया था, वो ब्रिज कुछ खराब हो गया था, इसलिए उसको कुछ इसका रिकंस्ट्रक्शन करना था, रिनोवेशन करना था, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, जिसको दिया ये बात कोई छिपी हुई है, जो घड़ी बनाते हैं वो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि भी ये पुल आप, ये ब्रिज आप रिनोवेट करो। और रिनोवेशन के दिन उन्होंने जो उद्घाटन किया, किसी को भी बुलाया नहीं, उनकी ग्रैंड डॉटर के हाथों से वो कट करवा के ब्रिज का उद्घाटन किया, और वो खुद वहां मीडिया के सामने डिक्लेयर करते कि इसको 15 साल तक अभी कुछ होने वाला नहीं है। वो जयसुख पटेल आज कहाँ है मालूम नहीं है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ब्रिज खुला उसके 5 दिन तक वो चलता था, तो गवर्नमेंट देख क्या रही थी कि ब्रिज में क्या हो रहा है, कैसे ये ब्रिज में ओपनिंग किया गया, किसकी परमिशन से। तो और इसमें 140 डेथ हुए। और एक बात देखने जैसी है कि उसके लिए बचाव कामगिरी
आजू बाजू में रहने वाले जो देहाती लोग थे उन्होंने किया, कोई रेस्क्यू फोर्स नहीं आया, न तो गवर्नमेंट की ओर से, न पुलिस की ओर से, न तो वहां की नगर पालिका की ओर से, वो सब जो हुआ वो बाद में हुआ। और फिर क्या हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर ये हादसा सुनते ही हेलीकॉप्टर लेके गांधीनगर से मोरबी गए, हमारे होम मिनिस्टर थे वो अलग हेलीकॉप्टर लेके वहां गए। तो यहाँ से गांधीनगर से या अहमदाबाद से कोई रेस्क्यू फोर्स ऐसा भेजना चाहिए कि वो हेलीकॉप्टर से वहां जाए और लोगों की जान बचाए। उसके बदले ये महानुभाव गए, उनकी आगता स्वागता में वहां का पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट फोर्स वहां लगा हुआ था। और उन्होंने वहां आकर किया क्या, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, वो अच्छी बात है कि चलो भाई आपको कुछ दुख हुआ उससे आका तो, लेकिन वहां जाके वो क्या करते, किसको ऑर्डर देते कि भी ये करो ये करो, रेस्क्यू फोर्स तो है नहीं। और जब रेस्क्यू फोर्स आया तब उन्होंने निकाला, वो किसको निकाला, कोई जीवित आदमी को नहीं, सब लाशें ही लाशें निकाली, ये परिस्थिति है। और उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली वहां जाना चाहिए, वो तो गुजरात में थे, लेकिन उनको तो कुछ लोकार्पण या उद्घाटन करना था और इलेक्शन के बारे में कुछ अच्छा करना था, वो तीन दिन के बाद मोरबी में गए। और वहां पर क्या हुआ, रिनोवेशन करना था ब्रिज का, लेकिन रिनोवेशन हुआ वहां की सिविल हॉस्पिटल का, ये बातें तो सब आपने देखी हुई है। तो इस तरह से लोग अभी भूले नहीं है, जिनके स्वजन इसमें गए, कोविड में गए, ये ब्रिज के हादसा में गए, वो लोग को तो कुछ न कुछ दर्द लगा है। और जिन लोगों के स्वजन नहीं गए उन्होंने भी ये देखा कि भी ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से, गवर्नमेंट की बिनावड़त से ये सब हादसे होते। एक तीसरा हादसा मैं यहाँ सिर्फ उल्लेख करूंगा, हमारे सूरत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 27 जैसे बच्चे उसमें जान दे दी आग लगने से, फायर होने से, वो भी हम नहीं भूले। और इस सब का कारण क्या है, तो हम एक कमिटी बनाएंगे और वो कमिटी बताएगी। आज तक कोई कमिटी ने कोई कारण नहीं बनाया बताया और किसी को भी जवाबदार नहीं ठहरवाई, किसी को सजा नहीं हुई। ये सब जो एंटी इनकम्बेंसी के बड़े बड़े रीजन है वो इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को असर करेगा, ऐसा मेरा मानना है।